गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आप लोग तो मेरे बारे में जान ही रहे हैं कि हम कैसे हैं, क्योंकि आप लोग हमको तो डेली देखते होंगे ब्लॉग में, और लेकिन क्योंकि हम तो आप लोगों को नहीं देखते इसलिए हम डेली पूछते हैं कि कैसे हैं आप सब। तो प्लीज कभी कभी कमेंट करके भी बता दिया कीजिए कि आप लोग कैसे हैं, या फिर मेरे कमेंट पे कुछ ऐसे कमेंट कस दिया कीजिए कुछ भी, क्योंकि पता है कोई कोई ही ऐसे है जो कि थोड़ा अच्छा सोच के कमेंट करते हैं। तो आज रील्स बनाए हैं, और सारा रील्स हम गोविंदा सर के गाने पे बनाए हैं, एकदम हिट सब गाने पे बनाए हैं। और मेरा इसमें डेली हम अकेले रील्स बनाते थे ऐसे स्टैंड में लगा के, लेकिन आज मेरे हबी और मेरा साथी हैं रील्स बनाने में, क्योंकि आज संडे था और वो फ्री थे, तो बोले चलो तुम रील्स बनाओ, आज हम तुम्हारा शूट कर देते हैं। तो आप लोग रील्स जब हम वीडियो सब अपलोड करेंगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि मेरा रील्स कैसा बना है। और आप देख सकते हैं कि आज हम डेली ऐसे मेरे पास जो है ना, आप लोगों को पता है कि लड़की के पास दिमाग थोड़ा कम होता है, पता है? तो आज हम डेली बनाते थे घर में रील्स, तो ये बोलते थे कभी कभी कहीं कहीं चेंज कर करके बनाया करो, बोले कहीं जाएंगे तभी ना बनाएंगे, बोले नहीं तुम रूम से बाहर निकल के भी बनाया करो। तो आज ये देखिए मेरा मतलब वीडियो शूट करने का जगह चेंज किया है, ये बाहर में आगे बरामदा पर बनवाए हैं, और यहाँ पे मेरा शूट रील्स करना खत्म हुआ, ये भैंस आके सो गई यहाँ पे, परेशान थी कब इसका रील्स खत्म होगा बनाया हुआ, जो हम यहाँ आके सोएंगे। और यहाँ आके अभी इसके शरीर पे पानी डाल देंगे तो एकदम लगेगा भैंस पानी में पड़ा हुआ। और इतना प्रॉब्लम होता है रील्स बनाने में, और उस टाइम कभी कभी अगर अकेले में बैठ के सोचते हैं, या आप लोगों को कभी शूट करके दिखाएंगे कि जब रील्स बनाना स्टार्ट करते हैं, कभी ये उधर से चले आती है, कभी रिदिक चले आता है, कभी निया चले आती है बीच में आके, कभी डांस करने लगता है, लो हम क्या करेंगे, वही लोग बीच में करके चले जाता है, फिर से कम दो बार चार बार जब हटाते तब एक बार जाके रील्स कम्प्लीट तैयार होता है। तो इसलिए प्लीज आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा कि मेरा रील्स कैसा बना है। और ऐसे तो आप लोग कमेंट करते नहीं है मेरे कोई भी रील्स पे, बहुत कम अभी कमेंट आ रहा है, क्योंकि अभी मेरा चैनल नया है, और बहुत कोई जो सब्सक्राइब किए हैं और जो नहीं किए हैं वो भी देखते हैं, तो कोई कोई ही ऐसे जो कमेंट कर देते हैं, बहुत कोई कमेंट नहीं करते, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि अगर अच्छा भी लगता है तो भी कमेंट कीजिए, नहीं अच्छा लगता है तो भी कमेंट कीजिए, क्योंकि आप लोग कमेंट कीजिएगा तभी हम अपना गलती को भी सुधार सकते हैं। तो आज देख सकते हैं आज मेरा गेटअप कैसा है, देखिए आज हम जीन्स और टी शर्ट पहन के रील्स बनाए हैं, और इससे पहले भी जीन्स टी शर्ट ही पहन के बनाए थे, लेकिन बाहर जाके बनाए थे, आज घर पे ही बनाए हैं। और हाँ, हम किस चीज़ में अच्छे लगते हैं, जीन्स टी शर्ट में अच्छे लगते हैं, या साड़ी में अच्छे लगते हैं, या सूट में अच्छे लगते हैं, तो ये भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो आप लोग जिस चीज़ पे कमेंट कीजिएगा ज़्यादा, हम वही पहन के रील्स बनाया करेंगे। पापा का फोन आया रे, हेलो कर दो। A few moments later. Hey guys, तो आप लोग को एक चीज के बारे में हम कभी नहीं बताए हैं, और आज हमको अचानक से याद आया कि इस चीज के बारे में तो हम ब्लॉग में कभी नहीं बताए, तो आज हम आप लोगों को बताते हैं कि आप लोग इसको पहचानते हैं, इसको पहचानते हैं, अगर जो जो पहचानते हैं क्या है तो कमेंट करके बताइएगा। तो ये एक तो आप लोगों को बताए थे कि मेरे हस्बैंड टीचिंग लाइन में है, ये पढ़ाते हैं, और एक इसका छोटा सा कारोबार है इनका, ये मैन्युफैक्चरिंग का, इसको पैक करके और मार्केट में मतलब कि भेजते हैं, और इसका मशीन बैठा हुआ है, इसका मशीन भी हम आप लोगों को नहीं दिखाए हैं, तो जब ये पैक करेंगे तब हम आपको इसका मशीन दिखाएंगे कि ये कैसे पैक करेंगे। तो अभी ये काम कर रहे थे यहाँ पे, क्योंकि उधर साइड में होता है तो इसलिए हमको याद नहीं था, और आज बहुत ज़्यादा गर्मी है और उधर इन्वर्टर का लाइन नहीं है और लाइट चले जाता है तो बहुत गर्मी लगता है, तो इसलिए आज यहीं पे इसको मतलब कि फैलाए हुए हैं, और नंदू को इसका थोड़ा मैं कर रही हूँ,
इसको खोल खोल के इसमें डालते हैं और ऊपर से सीट आता है, वो सीट डाल के पैक करते हैं। तो जब ये करेंगे तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। और सब तो सो गया है लेकिन ये चूहा को नींद नहीं आ रही। नीचा तुमको नींद नहीं आ रही है? इधर देखो, बहुत बदमाशी करती है इधर की। उन दोनों को देखिए, उन दोनों बदमाशी करते करते सो गया। उधर नंदू का दो शेर सो गया, लेकिन ये लड़की ये लड़की को नींद नहीं आता, आप देख सकते हैं। और नंदू काम कर रही है, हम इसको संभाल रहे हैं। और ये भी कर रहे थे तो हम सोचे थोड़ा सा ब्लॉगिंग भी कर लेते, क्योंकि ये कभी आप लोगों को नहीं दिखाए करते हुए, तो इसलिए ये भी दिखा दिए। 12 seconds late. हे गाइस, जैसे कि हम आप लोगों को बोले थे कि जब ये पैकिंग करेंगे तो हम आप लोगों को दिखाएंगे कि ये कैसे पैक होता है। तो हम आए हैं इनके रूम में जहाँ ये काम करते हैं। आप देख सकते हैं कि पैक कर रहे हैं। देखिए, हाय गाइस, तब कैसे हैं आप लोग, बताते हैं हम कैसे इसको पैक करते हैं। देख सकते हैं आप लोग उन पे, अभी ये शुरू से बताएंगे आप लोगों को, दिखाएंगे कि कैसे करते हैं। वो वाला हो गया है। देखिए, सबसे पहले तो था ना कि इसका आता है ये माल बन के आता है। उसके बाद हम लोग करते क्या, इसको हाथ से, दो तीन आदमी जाकर में जो भी फैमिली मेम्बर हैं वो ऐसे करके हाथ से फैला लेते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद आता है इसका ये कटोरा आता है, इसको ब्रिस्टर बोला जाता है। और ये स्क्रबर हुआ, इसको जूना भी कहते हैं हम लोग। इसको इसमें डालते हैं, फिर उसके बाद ये एक पेपर आता है, सीट आता है इसका, आप लोग पहचानते ही होंगे इस सीट को, ये वाला सीट आता है। इस पर हम लोग इसको डाल के, और इधर दिखाइए, ये वाला मशीन है, ये हैंड मशीन है। हैंड मशीन से इस पर डाल करके इसको चिपकाते हैं, उसके बाद ये पैक हो गया। पैक होने के बाद हम करते क्या है, मार्केट में जितना भी किराना या फिर होलसेलर सब जो भी है ना, होलसेलर सबसे कॉन्टेक्ट करते हैं और फिर उनको जा करके माल देते हैं। हमको भी तो पैसा बच जाता है, हम भी अपना इन्हीं का भरण पोषण जो भी होता है करते भी हैं। और साथ में तो मेरा पढ़ाने लिखाने का तो काम है ही, पढ़ा लिखा भी लेते हैं आप लोग के दुआ से। तो ये देख सकते हैं अभी कैसे करेंगे, आप लोग करते हुए भी देख लीजिए। ये सारा वो जो कटोरा में ये जो किया हुआ है सबको उसमें भर रहे हैं। हाँ, तो मेहनत लगता है, बिना मेहनत का क्या मिलता है, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता। अगर कुछ होता भी है तो ये कर रही है, तो उसमें भी बहुत मेहनत है। यहाँ भी मेहनत करना पड़ता है, वहाँ भी मेहनत करना पड़ता है। और अभी तो हम लोग को मेहनत का कोई चीज़ का फल तो मिल रहा नहीं है, सिर्फ अभी हर चीज का हम लोग मेहनत कर रहे हैं। अब फल भगवान जब दे ना दे, देंगे जी, ऐसा क्यों बोलते, दे ना दे, जरूर देंगे। नहीं देख सकते हैं, वो डाल के पेपर डाल के गिरा दिए हैं। अभी वो टाइमर सेट होता है वहाँ पे, देखिए ये देखिए टाइमर रहता है, टाइमर सेट करके टेम्परेचर जैसे हो गया 140 डिग्री सेल्सियस और टाइमर हो गया 5 सेकंड का डाल करके, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। अगर ज़्यादा देर हो जाएगा तो फिर ये जो है ना खराब हो जाएगा, तभी उस पर पहले वो कपड़ा मारते हैं जो भी प्लास्टिक है ना वो छोड़ देगा, इसीलिए इसको टाइमिंग के साथ जो है हटाया जाता है। देखिए ये इतना बना चुके हैं, ये देखिए इनका माल बन के रेडी है। आप लोगों को कैसा लगा ये माल वाला काम, तो जरूर कमेंट करके बताइए। अभी बिजनेस भी कैसा है, आप लोग अगर कोई करते हो तो आप लोग को तो पता होगा कि कैसा होता है। हम भी करते हैं, अपने से ही करते हैं, जैसा होता अपना कर रहे हैं। तो आप लोग को आज का ब्लॉग कैसा लगा तो प्लीज कमेंट कीजिए। साथ में जिनको ये बिजनेस करना होगा ना वो कर भी सकते हैं, ठीक है। अगर मान कर जिसके पास अपना पार्ट टाइम है, अपना काम करना चाहते हैं, कोई कुछ सूझ नहीं रहा है, हमको भी कुछ नहीं सूझ रहा था ना, तो हम यही करने लगे। बस क्या करते, बैठारी से बेगारी वाला हम तो वही समझते हैं। पढ़ाने के लिए जाते थे ना तो 3 बजे से जाते थे, अब 3 से लेकर 9 बजे रात तक पढ़ाते थे, बाल बाकी तो पर दिन बैठे रहते थे, तो सोचे कुछ तो करना चाहिए। तभी रात में भी बिजी, सुबह में उठेंगे तब भी बिजी, फिर उसके बाद मार्केटिंग कर लेते हैं, मार्केटिंग से आते हैं तो उसके बाद खाना खाते हैं, फिर चल जाते हैं। और ये देखिए ये है इनका ये काम करने वाला रूम, हम आपको स्टार्टिंग से दिखाते हैं।
देखिए ये इधर वाला रूम है साइड वाला, और ये देखिए थोड़ा सा टूटा फूटा हुआ टाइप से है, लेकिन इसमें काम अच्छा से हो जाता है, साइड पड़ता है, बच्चा सब परेशान नहीं करता इसमें। और इसमें ये एक बेड लगा के रखे हैं, अभी इस पर बेडशीट बिछा नहीं है, हटा दिए है, क्योंकि कोई आता नहीं है तो पापा लोग बोलते हैं बेडशीट ऐसे बिछा के नहीं रखना चाहिए खाली रूम में, और ये दो तीन दिन से इस रूम में आ नहीं रहे थे इसलिए हम बेड नहीं किए। और बहुत पसीना पसीना हो गया, बच्चा कितना परेशान होता है। तो गाइज आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, आप भी सोइए आराम से और हमको भी सोने दीजिए। देख सकते हैं बाहर कितना, हम खा लिए, हमको भूख लग गया था, जब ये खाना खाते तब हम खाना खाते हैं, लेकिन आज हम पहले खाना खा लिए क्योंकि बहुत जोर से रील्स बनाने के टाइम में ये इतना हमको परेशान किया, इतना परेशान किया, ये भी गलत है वो भी गलत है कि परेशान होते 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 हमको इतना ज़्यादा जोर से भूख लगा कि हम उनसे पहले खा लिए, नहीं तो वो जब भी खाना खाते हैं तो उसके बाद हम खाना खाते हैं। तो गाइस हम भी जा रहे हैं बाबू सबको सुलाने के लिए, तो तब तक आज के लिए इतना ही, तब तक बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, लव यू।